गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 55 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 7 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में चेतक कविता पढ़ा था। आपने इस चैप्टर के मौखिक प्रश्नों तथा अभ्यास के पाठ ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी लिखा था। आज हम लेक्चर 55 में हिंदी लिटरेचर में इसी कविता के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। बच्चों, आपने अभ्यास पाठ ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राणा प्रताप का घोड़ा किस प्रकार निराला बन गया था? किसके तन पर कोड़ा नहीं गिरता था और क्यों? युद्ध भूमि में चेतक किस कुशलता से दौड़ता था? विवरण दीजिए। शत्रु की सेना पर चेतक किस प्रकार आक्रमण करता था? कविता के आधार पर चेतक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपने इन प्रश्नों का उत्तर लिखा था। आज आप अभ्यास पाठ ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ आपको भाव स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाव स्पष्ट कीजिए। क है, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यहाँ ये कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इस प्रश्न में इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है, तो आप देखेंगे इसका उत्तर। आप लिखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक ऐसा अद्भुत एवं निराला था कि थोड़ा सा भी हवा से घोड़े का लगाम हिलता, घोड़ा इतना तेजी से अपने सवार को लेकर भागता जितना देर में राणा प्रताप की पुतली नहीं फिरती। बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 2 भाव स्पष्ट कीजिए। आपका ये कविता की पंक्तियां हैं, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इन पंक्तियों का यहाँ आपको भाव स्पष्ट करना है। आप देखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक ऐसा अद्भुत एवं निराला था कि थोड़ा सा भी हवा से घोड़े का लगाम हिलता तो घोड़ा इतना तेजी से अपने सवार को लेकर भागता जितना देर में राणा प्रताप की पुतली नहीं फिरती। अब आप प्रश्न ख देखेंगे, भाला फिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। भाला फिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। निम्नलिखित यहाँ देखेंगे आप, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव है कि घोड़े की टाप से दुश्मनों का भाला फिर जाता, उनका तर्कस गिर जाता, उनके अंग खंड खंड हो जाते, ऐसे अद्भुत घोड़े को देखकर दुश्मन समाज भी दंग रह जाता। बच्चों, आपने लेक्चर 55 में आज आपने चेतक कविता के आपके क्वेश्चन नंबर 2 भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं जिसका आपको भाव स्पष्ट करना था। आज आपने इन प्रश्नों का उत्तर लिखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कविता के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।